नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। लखीमपुर खीरी में विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पलिया ब्लॉक में कांग्रेस प्रत्याशी की थारू जनजाति की महिला के साथ हुई अभद्रता को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सैफ अली नकवी ने पलिया में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सभी कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव सैफ अली नकवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त है, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं। तो कांग्रेस का बीजेपी पर हमला लगातार बरकरार है, काली पट्टी बांधकर सरकार का रोष जताया है। जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार विपक्षी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी के साथ आरएलडी मुजफ्फरनगर में युवाओं को आरएलडी पार्टी में पद देकर आगे बढ़ा रही है और आरएलडी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी ने बुढ़ाना ब्लॉक के मोहम्मद रफीक को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। वहीं आरएलडी के पूर्व विधायक राजपाल बालियान ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत की और सरकार पर जमकर हमला बोला है। लेकर सभी दल पूरी तरह से तैयार हैं और इसी कड़ी में आरएलडी भी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो विपक्षी दल हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और नए नए युवा चेहरों को पार्टी में जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष चुना गया है आरएलडी द्वारा और यहां पर तमाम युवाओं को जगह भी दे दी गई है। दो हजार बाईस के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम अपोजिशनल पार्टियां एक्टिव मूड में नजर आ रही हैं। लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगी हैं और वहीं 2022 के जो विधानसभा चुनाव है जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगातार तमाम पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तमाम बातचीत करने के लिए, विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरएलडी के पूर्व विधायक राजपाल बालियान। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो किस तरह की तैयारी की जा रही है और किस तरह बीजेपी को 2022 में मात दी जाएगी? हम अपने लोगों के बीच आ रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें पार्टी की नीति और भाजपा के जो भाजपा की नीतियों से आज समाज को नुकसान हो रहा है उनको समझाने का काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज हमने दवेड़ी में आकर ये प्रचार भी किया, अपने लोगों से मिले, बात करी, लोग संतुष्ट हुए और हमारे अकरम राणा जो अल्पसंख्यक मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, उन्होंने यहाँ भाई राफे को ब्लॉक की मोहम्मद राफे को ब्लॉक बुढ़ाना की जिम्मेदारी दी और बुढ़ाना ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया। आप सांसद संजय सिंह आज बागपत के रठौला गांव में पहुंचे जहां उन्होंने बीजेपी पार्टी को लेकर अजीब बयान दे दिया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को मनहूस पार्टी बताते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश में शमशान घाट बनवाने की बात करती है, इसलिए बीजेपी मनहूस पार्टी है जो प्रदेश में सरकार चला रही है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करती है। इसी के साथ ही आप सांसद ने कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर यूपी सरकार पर बड़ा घोटाला करने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और वेंटिलेटर बाजार से अधिक दामों पर खरीदकर सरकार ने घोटाला किया है। रामपुर में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने सपा सांसद आजम खान के अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए कहा है कि हमारी सरकार में उन पर कोई अत्याचार नहीं कर रही। सपा सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने आरोप लगाया था कि आजम खान ठीक नहीं थे, उनको व्हीलचेयर पर बैठाकर लाया जा रहा था, वो स्वस्थ नहीं थे, उन्हें जबरन जेल में वापस डाला गया था। इस पर औलाख ने कहा कि हमारी सरकार ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों के पैनल और उनकी रिपोर्ट पर ही आजम खान को जेल में वापस भेजा था। उनके आरोप निराधार है, मैं आजम खान की स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देखिए, ये हो सकता वीकनेस हो उनमें और व्हील चेयर पे आए हों, ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस सरकार में कोई भी जबरदस्ती या कोई द्वेष भावना के तहत उन्हें द्वारा शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों के पैनल ने ठीक कहा होगा तो जेल वाले लेके आए हुए, ये जेल का और डॉक्टरों के पैनल का काम है। सरकार का क्या रोल है? सरकार का कोई रोल नहीं। देखिए, सरकार का रोल कहीं से कहीं तक कोई है नहीं, क्योंकि इसमें उनके जमानतें भी लगी हुई हैं, मुकदमे भी हैं। तो डॉक्टरों के पैनल ने अगर कहा होगा और जेल वालों ने उनको से मांगा होगा तो उन्होंने पैनल के हिसाब से उनको रिपोर्ट ठीक होगी तो उन्होंने भेजा होगा। अब तबीयत खराब हुई है फिर वो हॉस्पिटल जाएंगे, मैं तो ऊपर वाले से कहूँगा जल्दी स्वस्थ हो। नहीं मिला। देखिए, मैंने जब डिस्चार्ज किया था उस वक्त भी आपसे कहा था कि वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुए हैं और पता नहीं ऐसे कौन से हालात थे कि उन्हें सेहतमंद बताकर मेदांता हॉस्पिटल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। और मेदांता के डायरेक्टर का ये बुलेटिन मैंने जब पढ़ा कि वो पूर्णतया स्वस्थ हैं तो ऐसा नहीं था। जिस वक्त उन्हें मेदांता से डिस्चार्ज किया गया तो मैंने देखा था वीडियो में कि वो व्हील चेयर से लाए जा रहे थे और उनके हाथ पैर बेहद कमज़ोर थे और ठीक से उनसे एम्बुलेंस में बैठा चढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो उन्हें सहारा देकर चढ़ाया गया था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उसमें यकीनन कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। श्रावस्ती में अपनी तमाम मांगों को लेकर वित्त विहीन शिक्षक सड़क पर उतरे। इसी के साथ ही शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम टीके शिबू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि वित्त विहीन विश्वविद्यालय प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत मिश्रा की अगुवाई में सड़क पर उतरे शिक्षकों की प्रमुख मांगों में कोविड काल में वित्त विहीन शिक्षकों को 2,000 रुपए और हर महीने भरण पोषण भत्ता देने, कोविड काल में स्कूल बंदी के दौरान बिजली बिल को अधिभार मुक्त करने सहित तमाम मांगे शामिल थी। तो श्रावस्ती पर सड़क पर वित्त विहीन शिक्षक उतरते हुए नजर आए हैं और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। कानपुर के ब्लॉक राजपुर परिसर में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार को ब्लॉक परिसर में शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं शासन से रोक के बावजूद समूचे कस्बे में जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में समर्थकों का जमावड़ा लगा था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं जुलूस के दौरान यातायात भी बाधित रहा और राहगीरों को परेशानियां उठानी पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोविड नियमों की जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। फतेहपुर के अमौली ब्लॉक में प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी की नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पत्नी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां भी उड़ाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंच के नीचे बैठी महिला बीडीसी सदस्यों और तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क भी नदारद रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही मुंह पर मास्क नजर आ रहे थे। पीलीभीत में तीसरी लहर से बचने के लिए प्रशासन लगातार टीकाकरण को बढ़ावा देने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की बात कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही कोरोना नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में वैक्सीन सेंटर पर जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं वो सभी लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं, लेकिन जो स्टाफ वैक्सीनेशन कर रहा है वो सारे ही लोग बिना मास्क लगाए बैठे हैं। जब रियलिटी चेक किया गया तो डॉक्टर देवेश गिरी बिना मास्क के ही वैक्सीन सेंटर में घूमते नजर आए। वहीं डॉक्टर मोबाइल देखकर
पर भड़क गए और मोबाइल को ही छीन लिया, जिसके बाद शिकायत पर सीएमओ और आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नूपुर गोयल मौके पर पहुंची। तब डॉक्टर देवेश गिरी को मजबूरन मास्क लगाना पड़ा। इस दौरान देवेश गिरी भड़क कर पत्रकारों को अराजक तत्व बताने लगे। पीलीभीत में आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर कोविड प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन कराने की अपील की है। आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग कर कोरोना की आने वाली संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए हैं। जनपद पीलीभीत में आज सभी धर्मों के गुरुओं से, सभी प्रबुद्ध जनों से है एक पीस कमेटी की बैठक करी गई। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जनपद के जो अन्य अधिकारीगण हैं वो भी मौजूद रहे। आने वाले जो त्यौहार हैं, सावन का महीना भी शुरू होने वाला है और बकरीद का त्यौहार भी है, उसको लेके जो शासन के प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, खासकर कोरोना संबंधी जो गाइडलाइंस आई हैं, उसको अवगत कराया गया और एक अपील करी गई कि कोशिश यही करी जाए कि धर्म का जो असली मायना है कि हम अपने ईश्वर के साथ जुड़े हैं, उसको घर से हम धर्म इसको इसका अनुपालन करें, और यदि हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उसको लेके जो शासन के नियम हैं उसको जरूर अनुपालन करते हुए ही उनको त्योहारों को मनाया जाए। कानपुर देहात के सदरपुर विकास खंड में विकास दुबे के साथी विपिन त्रिपाठी का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में विपिन त्रिपाठी ने साफ तौर पर कहा है कि विकास दुबे के साथ वो भी सभी अपराधों में शामिल है। विपिन त्रिपाठी ने साफ कहा है कि अगर जांच पड़ताल होती है तो उसे भी जेल हो सकती है। आपको बता दें कि विपिन त्रिपाठी कई सालों से विकास दुबे की शरण में नौकरी कर रहा था और इसी के साथ ही कानपुर देहात के सदरपुर विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। उन्होंने मुकर्रर किया ना वही होगा। विकास दुबे जो मारा गया, इनकाउंटर हुआ, सब हुआ, मैं कितना रोया उसके लिए, कितना रोया मैं, मेरा कितना घनिष्ठ था। हो सकता अगर मेरी सारी बातें खुल जाएं तो मैं भी जेल पड़ा हूँ। कितना मुझे चाहता था वो इंसान, इतना मेरे इतने घनिष्ठ संबंध थे। जिस दिन ये कांड हुआ उसके दो दिन पहले मेरी बात आ रहा हूँ मैं आपको, मैंने उसको यही बात कही थी, मैं विकास भाई हमसे 4-5 साल बड़े लेकिन विकास ही कहते थे भाई, हमने कहा अति मत धरो, अरे हम साले ये कर दें वो कर दें, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मत बोलो, ये भाषा तक गलत आपकी तरीका है। अपने घर में 1000 लोग खाना खिलाते हो डेली, भाई साहब जितने पुलिस वाले हैं आपके 24 से नहीं कानपुर क्षेत्र के, उसके लंगर चलता पूरा दिन, कम से कम 2-4-500 आदमी पर डे खाना खाने आता पुलिस वाला सब मिला के, लेखपाल हो चाहे सेक्रेटरी हो चाहे MPD हो या कोई, यही हालत है उसकी। आप मैं तो उसके घर में किस तरह में रहा हूँ। आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी आवाज़ है वो अपने आप को विकास दुबे का साथी बता रहा है और उसके साथ तो उसके घर में रहने की विवाद स्वीकार की है। इस ऑडियो की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद जो भी फैक्ट निकल के आएगा तो अकॉर्डिंगली जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। बिजनौर में दिन दहाड़े एक बदमाश मुथूत फाइनेंस गोल्ड लोन दफ्तर में लूट करने के इरादे से घुसा था, लेकिन समय रहते दफ्तर के कर्मचारियों की सूझबूझ की वजह से दफ्तर में अलार्म बज गया, जिसके बाद बदमाश ने दो कर्मचारियों को निशाना बनाकर तमंचे से वहां पर हमला कर दिया। वहीं बदमाश मौका देकर भाग गया, लेकिन बदकिस्मती से बाहर बदमाश के फायर करने पर दहशत में एक बेकसूर ठेले वाले की हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं इस पूरे मामले में बिजनौर पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है और आसपास के जो CCTV कैमरे हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। सर हमारे यहाँ टकराने के लिए एक लड़का आया, तमंचे निकाले और हमारे ऊपर टांग दिए, हमारे यहाँ गोल्ड और कैश लूटने के लिए पर्पस से आया था सर, बाकी सिक्योरिटी की वजह से हमारे यहाँ से कुछ भी टका नहीं हुई, मतलब सब कुछ सेफ है। क्या प्रयास किया उसने आपके सर? हमारे तमंचे लगाए सर और गोल्ड और कैश लूटने की कोशिश करी। 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है, उसकी गोल्ड लोन लेने की बात किया है कि उसके पास कुछ सोना है, लोन लेना चाहता है, वह जानकारी करके और बैठ गया। लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा अंदर, फोन किया उसने, किसी को बुलाया कि ठीक है बात हो गई है, आ लेके आओ गोल्ड और लोन मिल जाएगा।
फिर 10 मिनट बैठा रहा, दूसरा कोई लड़का नहीं आया, वो स्वयं ने अपना ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वीडियो भी देखी जा रही है, कि गन पॉइंट लेने से सायरन बज गया तो भाग गया। कानपुर में डीसीएम और कार में आमने सामने की टक्कर होने पर कार चालक ने डीसीएम चालक को जबरन अपनी कार की बोनट पर बिठा दिया, जिसके बाद फिल्मी अंदाज में तेज रफ्तार से कार चालक ने जाजमऊ पुल पर स्टंट किया। वहीं कार के आगे बोनट पकड़े युवक लटका रहा, लेकिन कार चालक ने कार नहीं रोकी। इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी। वहीं पुल पर मौजूदा लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं, युवक किस तरह से बोनट पर लटका हुआ है, लेकिन कार चालक को इस पर दया नहीं आ रही है। लखीमपुर खीरी के दूधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से सटे रेलवे स्टेशन के पास एक बाघ रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में छुपा बैठा था, तभी मौके से निकल रहे कार सवार ने बाघ को हेलो ब्रदर बोलते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि ये रोड आम जनता के आने जाने के लिए है। जितने लोग वहां पर आवाजाही कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि उस जानवर के साथ लोग छेड़छाड़ ना करें। अगर कोई जानवर दिख जाता है तो वन विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि लोग वहां पर एहतियात बरत सके, ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। ग्रेटर नोएडा के बीसरक थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। इस दौरान उनका एक साथी बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जबकि पकड़े गए दो घायल बदमाशों से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। पकड़े गए बदमाश गाड़ी में लिफ्ट देकर लोगों से लूटपाट किया करते थे। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी राइस चौकी के पास एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक क्रेटा गाड़ी जिसमें तीन लोग आए, पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा और उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ लगाई। पुलिस ने उनका पीछा किया, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उनसे जो मुठभेड़ हुई है, तो उसमें दो लोगों के पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान सिराज और रामू के नाम से हुई है। एक इनका साथी जंगल की तरफ भाग गया, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। इनसे जब पूछताछ की तो ये वाहन लुटेरे और वाहन चोरी करते हैं। इनके पास जो क्रेटा गाड़ी है उस पर HR नंबर है, उसकी पुष्टि जानकारी की जा रही है वो किसकी है, और इनके पास से दो तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र में बीते दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते खैपर पोल मकान की खरपैल और एक दीवार गिर गई। इसमें खाना बना रही सास बहू सहित तीन लोग दबकर घायल हो गए। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने बमुश्किल घायलों को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में मुस्लिम धर्म गुरुओं का अश्लील वीडियो बनाकर माहौल खराब करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धर्म गुरुओं का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक के पीपरी गांव में चारे और पानी के अभाव में दो महीने के अंदर करीब 48 गौवंशों ने दम तोड़ दिया। वहीं चारे की कमी की सूचना देने के बाद भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि गौशाला के अभिलेख में 11 मई को 93 गौवंश जीवित थे। वहीं गौवंश की मौत होने के बाद शव को नहर में फेंक दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करीब 45 गौवंशों की बिना पानी और चारे की वजह से जान चली गई है। श्रावस्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जो गौशाला को देखते हैं उनका कहना है कि वो जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से बिना चारे और पानी से गौवंशों की जान जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके शवों को यूं ही नहर में छोड़ दिया जा रहा है। फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पुलिस सट्टा माफियों पर लगाम नहीं लगा पा रही। लगातार सट्टा माफिया पुलिस को चुनौती देते हुए खुलेआम सट्टे माफिया अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी दौरान सट्टा खाई वॉडी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस मामले में कोई कार्रवाई
नहीं करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कारोबारियों का लगातार कारोबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के लोगों ने वीडियो भी बनाया है, पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इन वीडियो पर कोई संज्ञान पुलिस द्वारा नहीं लिया जा रहा है। कस्बा गांव में लगातार सट्टे कारोबारियों का जो कारोबार है वो और ज्यादा फलता फूलता नजर आता है। मथुरा के वृंदावन थाना इलाके में उस समय हाहाकार मच गया जब कुछ महिलाएं मिट्टी खोदने गई थी, जिनमें से 3 महिला अचानक मिट्टी में दब गईं, जिन्हें बुलडोजर की मदद से घंटों बाद बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मिट्टी खोदने के लिए कुछ महिलाएं गांव के बाहर गई थी, लेकिन मिट्टी खोदते वक्त मिट्टी ढह गई और जिसमें 3 महिलाएं दब गई। वक्त रहते पुलिस को सूचना दी गई, बुलडोजर की मदद से मिट्टी को हटाया गया और तीनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद से ही पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। तो मथुरा की तस्वीरें हैं जहाँ पर यह भीषण हादसा हो गया, मिट्टी खोदने गई महिलाएं मिट्टी में ही दब गई। ग्राम अक्रूर में मिट्टी की ढाक गिर गई है, जिसमें 3 महिलाएं दब गई हैं। तो उन्होंने जेसीबी भेजने के लिए कहा, हम लोगों ने तुरंत जो जेसीबी भेजी और यहाँ पर प्रशासन भी पहुँच गया था, पुलिस की पूरी टीम थी, पुलिस विभाग ने पूरा प्रयास करके जनता के सहयोग से उन 3 महिलाओं को निकाल लिया गया है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। रेस्क्यू कितनी देर चला लगभग? ये लगभग जो है 1 घंटे के आसपास रेस्क्यू चला है। हाँ, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो अभी तक इनको हॉस्पिटल भेजा गया, अभी तो उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। कई जानकारी मिली है कि क्यों आई थी महिलाएं, क्या करने? ये मिट्टी खोदने के लिए आई थी, इसकी वजह से वो नीचे से खोदे तो ऊपर से मिट्टी की ढाक गिर गई है। आज इसमें घटना हो गया, आज घटना जी हुई है। कुछ कोई औरत, 4-5 औरत गाँव की मिट्टी लेने आई थी, जो पोता मिट्टी होती है जंगल में, तो ऊपर से ढाई गिर गई तो उसमें वो दब गई है। उसमें से 3 भैया तो निकाली, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, 2 लेडीज लेकर के भाग गई हैं, मैं तो उनकी भी है छूट, और उनको अस्पताल रेफर करा दिया और अस्पताल गई हुई हैं, उनकी गंभीर हालत है। एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन जब काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। सुबह उसका शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला, वहीं इसकी खबर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रात के समय युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था, लेकिन जब देर रात वापस नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता हुई, जिसके बाद तलाश की गई, सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सुबह जब शव देखा गया उसके बाद से ही लगातार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पूरी तरह से छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों को चिंता हुई, परिजनों ने सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। यूपी 112 के माध्यम से थाना किला को एक सूचना मिली कि किला छावनी मोहल्ले के बाहर एक खाली प्लॉट है, जिसमें एक अज्ञात को खड़ा हुआ है। उस सूचना पर थाना किला की फोर्स तत्काल मौके पर आई और मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों के द्वारा जो शव हैं उनकी पहचान दर्शन सागर पुत्र बबू सक्सेना निवासी किला छावनी, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, के रूप में की गई। मौके पर फील्ड यूनिट एवं रोड स्क्वाड मौजूद है। सभी पहलुओं पर हम उसे देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हत्या के पीछे कारण क्या है। मौके से काला कत्ल के रूप में 2 चाकू बरामद हुआ है। मृतक के गर्दन सर, रात को जो है ये 9:30 बजे करीब निकला, उसके बाद में ये वापसी आया नहीं, यार दोस्तों के साथ में रहा, उसके बाद सुबह सूचना मिली है।
उसमें से। नहीं, पुरानी रंजिश सर किसी से नहीं थी सर, यार दोस्त थे इसके साथ में, इसका एक दोस्त है वो भी लापता है रास्ते। मुझे तो सुबह जब पता लगा तो यहाँ पे जो है इसकी बॉडी ही मिली बस। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से गाजियाबाद की ओर जा रही बस सड़क के किनारे खाई में जा पलटी। बस पलटने से बस में बैठी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घटनास्थल पर पलटी हुई बस को क्रेन की मदद से हटाया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर यात्रियों से भरी बस अचानक पलट गई, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची है। क्रेन की मदद से बस को साइड किया गया, साथ ही साथ जो भी लोग गंभीर रूप से घायल थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण है। बुलंदशहर का बुलंदशहर में हादसा हुआ है, बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। दरअसल गाजियाबाद से होती हुई जो बस है वो बुलंदशहर की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक खाई में जा गिरी, जिसमें तमाम यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कईयों की मौत भी हुई है। मौके पर चीख पुकार मच गई, क्रेन की मदद से बस को हटाया गया है। काफी देर तक रोड पर जाम भी लगा रहा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।